ये अमीर लोग सिविकों वाले लोग सारे सिविकों वाले रखे हुए हैं, लेकिन पैनल दिखाओ। चौधरी साहब भी आ गए हमारे, चौधरी साहब से मिलते हैं भाई, चौधरी के डेरे पे आते हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। ईद मुबारक मैं भी नहीं कहूँगा, नमाज पढ़ के आपके आपसे आके हम ईद मिलेंगे सुकून से आके। और अभी अभी अबू ने मुझे उठाया, चंडे लगा के पैन उठ जाओ, ईद की नमाज आएगी। रात को कोई दो ढाई बजे मैं दर्जी से सूट उठा के फिर धोबी के पास जाके बैठ के 2-3 बज गए मुझे। मैं रात सूट लेके आऊँ, इसमें नाड़ा शाड़ा डालना है और नहा के थोड़ी सी लाना शनात ख़त्म करके आज क्योंकि रोजे शोजे रखे हैं तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा नूर थोड़ा सा नूर भी ऐसे मुझे महसूस हो रहा है। चल झूठा वाले दिन तो नहा के उसके बाद आप ईद के भाई के ग्लिम्स चेक करो कि आपका भाई कैसे तैयार होता है, उसके बाद सीधा नमाज के लेट हो रहा है, नमाज फर्स्ट है। सारे घर वालों के साथ मिल के रिश्तेदारों में जहाँ जाना था सबसे हो के आपका भाई अब फारिग हुआ है। तो अभी मुझे वो भी मैं सो रहा था और मुझे दोस्त के आगे कॉल के भाई आ जाओ कहीं चलते हैं, कोई शुगल मेला करते हैं, कहीं स्कूल वाले दोस्तों के पास चलते हैं। तो वो भी आने लगे, मैं हाथ में धो के उसके पास ही जाता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या सीन बनता है। अजीब ईद है यार, ना बच्चे पानी वाले पिस्तौल ले रहे हैं ना छरों वाले ले रहे हैं। मुझे तो एक्सपेक्टेशन थी कि गली हुए बच्चे छर छर होगी, वर्ल्ड वार चल रही होगी, यहाँ पे कोई बच्चों को तमीज नहीं है ईद मनाने। हम होते थे ईद छीद मनाते होते थे, पता चलता होता था कि दहशत है गली में, आ रहे पीछे 4-5 लड़के लेके, ऐसे ही बच्चे घूम रहे हैं, टिकटॉक शिकटॉक बना रहे हैं, मोबाइलों में सेल्फियाँ खींचते जा रहे हैं, तमीज नहीं है ईद मनाने की, सारा मज़ा ख़राब कर दिया, बोर हुए बड़े। अब वो लड़का आ रहा है, हाथ में धो के उसके पास चलता हूँ, 5-10 मिनट तक पहुँच जाएगा, उसी का वेट कर रहा हूँ, हाथ में धो के फ्रेश होकर भाई स्कूल वाले दोस्तों के पास किसी के पास चलते हैं, वो शुगर मिला करते हैं। भाईजान सामने सिविक में आए हुए हैं और भाईजान के साथ उनका प्यारा दोस्त भी है मेरे ख्याल से। खैर मुबारक, खैर मुबारक, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। नहीं है खुले, नहीं है, नहीं है, छोटे नोट रखते नहीं। पहुंच गए हैं भाई, आ गए हैं भाई, अमीर लोग सिविकों वाले सारे सिविकों वाले रखे हुए हैं, लेकिन पैनल दिखाओ। सारे पैसे ना उसमें पेट्रोल में जाते हैं वहां पे। अब देखते हैं यार क्या शुगल में लगा रखते हैं यार। अभी सीन ये बना के अब स्कूल वाले दोस्तों के पास जा रहे हैं, जिसको फोन करो टोपी करवा रहा है, जिसको फोन करो। आशिर तू भी देख रहा है, मजहर तू भी देख रहा है, मुजम्मिल तू भी देख रहा है, और कौन था, सारे देख रहे हैं, सब ने टोपी कराई है। कोई फूफो के घर है, कोई चाचू के घर है, कोई मामू के घर है। मैं सच्चा बनता हूँ, देखो मैंने झूठ नहीं बोला, मैं ईमानदारी से मैं सोया पड़ा था, मैं बनियान पहन के सोया पड़ा था, उठ के आ गया हूँ। अब चौधरी के दाऊद के डेरे पे हम पहुँच गए भाईजान, अब वो भी सच्चा बंदा निकला, ये भी वफादार निकला है। तो अब चौधरी को कॉल किया, वो आ रहा है, उनसे ईद शीद मिलते हैं स्कूल के दोस्तों से, फिर तो दोबारा ये मौका नहीं मिलता होता। चौधरी साहब आ गए, ओए हो सामने चौधरी साहब भी आ गए हमारे चौधरी साहब से मिलते हैं भाई, चौधरी के डेरे पे आते हुए। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, ईदी आप देंगे ना डेरा आपका यार, किन्नू शिन्नू खाते होते थे चौधरी के डेरे पे हम एक टाइम पे, ताश हमने यहीं सीखी है। बाकी यार सारा अभी दाऊद भाई से हमने मिल लिया, कंपनी शम्पनी एंजॉय करनी थी दाऊद भाई के साथ, गप्पे शप्पे मारनी थी। दाऊद भाई इजाजत, हमें हमें भी इजाजत दो दाऊद भाई, दाऊद भाई को अपना काम याद आ गया, आपको बुलाया भी नहीं था हमने, गजब बेइज्जती है। हमने अली फैसल को बुलाया था, ये डॉक्टर है, डॉक्टर से काम चेक करो।
शैम्पू फ्यूचर डाकू है बल्कि फ्यूचर डॉक्टर फ्यूचर डॉक्टर ठीक है बाकी दाऊद भाई ओके सलमान भाई मजाक किया नाराज ना होना ओके मिलते हैं अच्छा तुमने तो मेरे साथ ही जाना है बाकी आप देखते हैं बाकी सीधा घर ही चलते हैं क्योंकि और तो कोई आया नहीं है जो मिले हैं स्कूल के दोस्त उनसे हमने मिले हैं बाकी सीधा घर चलो लेवल की नींद आ गई थी यार एक तो उसके बाद जब आके मैं घर आके सो गया था उधर दोस्त से जो गए हुए थे दाऊद के डेरे पे अब मैं इधर आया हूँ चाचू के घर चाची से ईद छीद मिलनी थी कज़न वगैरह भी सारे छोटे मोटे आए हुए हैं इनसे मिलना था और ईद में यार कुछ करने का दिल ही नहीं किया कुछ करने का कोई कोई शुगल मिला ही नहीं था कोई ना बच्चों को तमीज़ है ईद उन्होंने की ना पिस्तौलें उन्होंने की हैं हमारा दौर होता था दौर तो नहीं खैर 3-4 साल पहले की बात है पिस्तौलें शिस्तौलें होती थी लेवल की चस लगती होती थी वे क्या साजिश कर रहे हो ये लगे पड़े हैं मोबाइल के साथ चिपके हैं बच्चों को है नहीं कंपनी एंजॉय करने नहीं आती महफिल को मोबाइल चलाते रहते हैं अच्छा बाकी यार इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि मोबाइल की बैटरी इज़ अबाउट टू डेड घर तक पहुँचते पहुँचते बचती या नहीं बचती घर जाके मैंने रेस्ट कर लेना फुल थका हुआ और ईद ईद का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं कल शायद कल गांव जाएं अगर गए तो कल इंशाल्लाह व्लॉग लास्ट में आएगा गांव में कुछ शुगर मेला लग सकता है बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट है वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर मस्ट है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना ओके अल्लाह हाफिज़